हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम गुड़ की बर्फ़ी बनाएंगे। ये बर्फ़ी देखकर आपको नहीं लग रहा होगा कि गुड़ से बना है। जी हाँ, ये गुड़ से बना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट हम गुड़ की बर्फ़ी बनाते हैं। तो गुड़ की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है और गैस को कर लेते हैं ऑन। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप दूध। तो यहाँ पर फुल फैट मैंने दूध लिया है, ये भैंस का दूध है, ये उबला हुआ दूध है। तो मलाई सहित मैंने 1 कप ले लिया है। अब इसे चलाते हुए एक उबाल उबाल लेते हैं। तो लीजिए, एक उबाल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। इसे ठंडा होने देना है क्योंकि मैं गुड़ में बना रही हूँ, तो इसे थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है। अगर हम गर्म में गुड़ डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। तो देख सकते हो आप, गैस को हमने बंद कर लिया है। इसे ठंडा कर लेते हैं इस तरह चलाते हुए। तो दूध को मैंने ठंडा कर लिया है, कुनकुना है, हल्के से कुनकुने हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप गुड़। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दूध लिया, तो 1/2 कप हम इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं। अब इसे हम घोलते हुए इस तरह से मिला लेंगे गुड़ को दूध के साथ। अब गुड़ को हम इसी तरह छोड़ देते हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं ताकि हमारा गुड़ दूध में अच्छे से घुलता रहे। अभी एक काम और कर लेते हैं। तो लेते हैं 1 केक टिन। अब केक टिन में हम थोड़ा सा घी डालकर इसमें ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी में सेट करना है। तो इसमें हम बटर पेपर भी लगाएंगे। अगर आप बटर पेपर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, बिना बटर पेपर के भी ये बर्फ़ी जम जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो लीजिए, मैंने घी को लगा दिया है। अब ऊपर से हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर भी थोड़ा सा हम घी लगा देंगे क्योंकि बटर पेपर लगाने से बहुत ही आसानी से बर्फ़ी निकल जाता है, बहुत ही अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो बटर पेपर पर भी मैंने घी लगा दिया। अब इसे रखते हैं साइड में। लेते हैं वही वापस से कढ़ाई जो मैंने गुड़ के साथ घोला था, और देख सकते हो गुड़ अच्छे से घुल चुका है दूध के साथ। तब लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल पे एक छन्नी लगा देते हैं क्योंकि हमें गुड़ को छानना है, क्योंकि गुड़ में बहुत रेसे वगैरह रहते हैं, जो भी थोड़े बहुत गंदगी होगा ये छन्नी से छन जाएगा। और देख सकते हो जो गंदगी है वो ऊपर आ चुका है। इसे हम साइड में रख देते हैं, इसे हमें नहीं डालना है, इसे हमें हटा देना है। और दूध को मैंने छान लिया, अब इसे साइड में रख देते हैं। लेते हैं एक ग्राइंडर जार, और ग्राइंडर जार में हम डाल देते हैं 1 कप नारियल का बुरादा। जी हाँ, नारियल का बुरादा ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ में हम डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है, साथ में 1/4 कप ले रही हूँ मेलन सीड। तो यहाँ पर मेलन सीड का बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा इस बर्फ़ी में। और साथ में हम 3 इलायची भी ऐड कर देंगे। इस तरह से छिलका हटा देंगे। अगर आप छिलका सहित डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो छिलके को हम हटा देते हैं। तो लीजिए, मैंने तीनों छिलकों को हटा दिया है और इलायची को डाल दिया है। ढक्कन लगा के इसे बढ़िया से पीस लेते हैं। तो लीजिए, मैंने इसे बढ़िया से पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो मेन चीज़ है, यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1 कप। तो 1 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें स्पीड पर बिल्कुल मिक्सर को नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक के चला के इस तरह से हमें पाउडर तैयार कर लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर पहले गैस पर हम नहीं रखेंगे, पहले हम सारे पाउडर को कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो पाउडर को मैंने कढ़ाई में डाल के इसे हमें भूनना है। तो लीजिए, मैंने पाउडर को पलट लिया। अब इसे धीमी आंच पे भूनेंगे, कम से कम 3 मिनट्स लग जाएगा भूनने में। बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई आप धीमी आंच पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये लगने लगेगा और भून भी नहीं पाएगा। तो ये देख सकते हो कलर चेंज होने शुरू हो चुका है, नीचे से ही लगना शुरू हो चुका है। तो इसे धीमी आंच पे हम इसे भून लेंगे, लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है। तो इसे हमने बढ़िया से भून लिया है। अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। अब इसे उतार के हम इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेना है क्योंकि हमें इसी पाउडर को ठंडा करना है, गरम बिल्कुल मत डालिएगा। तो यहाँ पर हम इसे चलाते हुए इस तरह से ठंडा कर लेंगे। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो कढ़ाई में हम इसे ठंडा नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, मिक्सिंग बाउल में हमें निकाल के इसे ठंडा कर लेना है। तो लेते हैं एक बाउल, और बाउल में सारे पाउडर को हम इस तरह से पलट लेते हैं। अब इसे चलाते हुए पंखे के सामने हम रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। तो लीजिए, ठंडा हो चुका है, मैंने हाथ डाला तो बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो लेते हैं वापस से वही कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देते हैं जो मैंने गुड़ वाला घोल तैयार किया था दूध के साथ, इसे डाल दें। ये भी काफ़ी ठंडा हो चुका है, ठंडे में ही इस पाउडर को हमें मिक्स करना है। दोनों चीज़ हमारा ठंडा होना चाहिए, गुड़ वाला जो घोल है वो भी, और मिल्क पाउडर वाला भी, दोनों चीज़ ठंडा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गर्म में आप डाल देंगे तो जो गांठ गुथलियाँ लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ ठंडा बिल्कुल हो जाए तभी आप पाउडर को मिक्स करिएगा। तो धीरे धीरे पाउडर को डालते हुए इस तरह से हम मिलाते हुए पहले
नीचे पहले हमें गैस पे बिल्कुल नहीं रखना है, नीचे पहले इस सारे मिक्सर को हमें मिला लेना है अच्छे से। अभी जो लास्ट में बचा है सारे पाउडर को हम डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हो जाता है जैसे मावा तैयार होता है, बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है, देख सकते हो आप लोग बिल्कुल मावा। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ, तो गैस को हम ऑन कर लें, बिल्कुल धीमी आँच होना चाहिए और धीमी आँच पर इसे बढ़िया से भूनेंगे। बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, इतना हमें भूनना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ये गीला होगा उसी वक्त उतार देंगे ना तो दांतों में जाके चिपकेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे लगातार चलाते हुए धीमी आँच पर इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और देख सकते हो ये ड्राई होना शुरू हो चुका है, तो इसे और भूनेंगे क्योंकि इस वक्त हम नहीं उतारेंगे। अगर इसी वक्त आप उतार के सेट कर देंगे ना तो आपके जो पेड़े हैं ना ख़राब बन सकते हैं, फिर आप बोलोगे कि ये पेड़ा ख़राब बना है। तो इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है, बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। और ये देख सकते हो बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, अब इसमें बिल्कुल नमी नहीं रह गया है, तो इस कढ़ाई में भी थोड़ा सा भुन जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा क्या, गैस पे ही काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा इस तरह से हम घुमाते हुए चलाते हुए इसे। ये देखो बिल्कुल डो जैसा हो गया। अब इसे साइड में रखते हैं, लेते हैं वही केक टिन जिसने हम जमाने के लिए तैयार किया था। अब सारे मावे के डाल देना है और इसे बढ़िया से हमें सेट कर लेना है इस तरह से दबाते हुए, जितनी भी मोटाई रखना है आप। थोड़ा सा ये मोटा रहता है तभी अच्छा लगता है, तो इसे थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे जैसे बाज़ार में मिलता है। तो लीजिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, ऊपर से हम मेलन सीड ऐड कर डाल देते हैं। चम्मच या फरचूला से हम इसे दबाते हुए थोड़ा सा दबा देंगे ना तो ये सेट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाता है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो हमारी बर्फ फिर ठंडा हो चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। बहुत ही आसानी से पलट जाता है क्योंकि मैंने बटर पेपर लगाया है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिना बटर पेपर के भी बहुत ही अच्छा से जम जाएगा। तो इसे हम पलट के निकाल लेते हैं। अब इस पार्ट को हम सीधा कर लेते हैं और जैसा मन चाहा आप इसे काट सकते हो। तो थोड़ा सा पहले लंबे में काटेंगे फिर इसे चौकोर में काट लेंगे, जैसे बर्फ़ी कटती है उसी हिसाब से हम बर्फ़ी को बना लेते हैं। तो आप बर्फ़ी को लंबा रखना चाहते हो तो लंबा बनाइए, थोड़ा सा ये चौकोर में रहेगा तभी अच्छा लगता है। तो हम चौकोर में काटेंगे और देख सकते हो चाकू में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और देख सकते हो इसकी मोटाई इतना मैंने रखा है, देख सकते हो आप लोग। तो लीजिए सारे बर्फ़ी को मैंने काट लिया है, इसे तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनी है, देख सकते हो आप लोग, है ना बहुत सॉफ्ट है बर्फ़ी। सो गाइस, एक गुड़ की बर्फ़ी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।